नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र की एक अवधारणा संस्था पर बात करेंगे। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए ताकि समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर BCB रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। संस्था के बारे में आगे डिटेल में समझने के लिए से पहले आप कुछ किताबों के नाम लिखिए। सोसाइटी मैकावर पेस की किताब है जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। सोशल इंस्टीट्यूशन एच.ई. बार्न्स की पुस्तक है जिसमें संस्था के बारे में विस्तृत जानकारी है। ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस, समाजशास्त्र के सिद्धांत विद्याभूषण सचदेवा, ये भी इंग्लिश हिंदी दोनों में है। फॉकवेज ये F.G. समनर की पुस्तक है, बहुत अच्छी किताब है जिसमें डिटेल में जानकारी आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं संस्था की। संस्था क्या है? संस्था कार्य प्रणालियों कार्य रूपों की एक व्यवस्था का नाम है। संस्था कहते ही दिमाग में आता है स्कूल होगा, परिवार होगा, विवाह होगा, ये सब बातें संस्था के अंदर अंतर्गत कही जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहां पर यह समझना है संस्था कोई मूर्त व्यवस्था का नाम नहीं, संस्था एक अमूर्त व्यवस्था का नाम। जैसे कि मैंने कहा कार्य प्रणाली एक पर्टिकुलर तरह का फंक्शंस कहीं किया जाता है तो वो एक संस्था है। किसी एक स्थान पर तरह तरह एक निश्चित तरह के व्यवहार लगातार किए जाते हैं तो वहां संस्था है। संस्था के संदर्भ में समाजशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से बताने का प्रयास किया है। अगर हम बात करते हैं ऑकबर्न की, ऑकबर्न ने एक किताब लिखी ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ऑकबर्न और निमकॉप ने मिलकर जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। यानी जो सामाजिक संस्थाएं जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनकी संतुष्टि के लिए संगठित और स्थापित जो कार्य प्रणालियां हैं उसको हम संस्था कहें। बहुत सही दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है अकबर साहब का जिसमें उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं की बात की, यानी मनुष्य की जो आवश्यकता होती है तो वो इनका निर्माण कर। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर लुंडबर्ग की बात करें जिन्होंने अपनी किताब सोशियोलॉजी में बताने का प्रयास किया है, सामाजिक संस्थाएं समाज की मूलभूत आवश्यकताओं वह कानून कायदों को व्यवहार में लाने का साधन है। यानी हम नियम कानून बनाते हैं वो भी आवश्यकताओं के अनुसार, जैसे बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उनका प्रशिक्षण कैसे करना है, शत्रुओं व प्राकृतिक विपदाओं से रक्षा कैसे करनी है, भोजन वस्त्र व आश्रम की व्यवस्था आदि। एक तरह से कहा जाए जीवन में, मनुष्य के जीवन में जब विपदाएं आए आपदाएं आए या फिर बच्चों का लालन पालन करना हो तो उसके लिए कुछ निश्चित व्यवहार होते हैं, वो व्यवहार ही एक तरह से संस्था की पार्ट है। संस्थाएं स्थाई आदतें परमानेंट आदतें निश्चित की जाती है कि इस तरह का फंक्शन होगा, इस तरह का प्रोग्राम होगा तो यहाँ ये आदत इस तरह के व्यवहार करने हैं। दृष्टिकोण वह भौतिक तत्वों से बनती है, मतलब एक तरह से ये अमूर्त पक्ष है। लुंडबर्ग ने जो बात कही आवश्यकता की वो बात काफ़ी हद तक ऑकबर्न द्वारा कही गई बात से मेल खाती है, यानी ऑकबर्न ने जो बात कही वो बात भी लगभग वैसी ही है। अगर हम यहाँ पर समनर की बात करें, समनर साहब ने फॉकवेज में बताने का प्रयास किया कि संस्था एक विचारधारा है। विचारधारा का मतलब विचार मत सिद्धांत या यथार्थ, यानी एक विचारधारा है एवं एक संरचना से मिलकर बनती है। यानी संस्था का निर्माण एक विचारधारा और एक संरचना से मिलकर होता है। काफी हद तक क्लियर बात कह दी एक तरह से यहां पर इन्होंने कि विचारधारा के साथ साथ एक संरचना, एक निश्चित संरचना में ही एक विचारधारा जोड़ दी जाती है तो संस्था का निर्माण होता है। अगर हम मजूमदार साहब की बात करें तो मजूमदार साहब ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ सोशियोलॉजी में बताने का प्रयास किया है कि
संस्था व्यवहार या अनुक्रिया, व्यवहार या अनुक्रिया का वह एक सामूहिक रूप है जो एक पीढ़ी पार कर चुका है, जो कार्य करने के एक निश्चित ढंग की व्यवस्था करता है तथा जो समूह के सदस्यों को प्रतीकों, विधियों, संस्कारों एवं अधिकारियों जिनके पास नियमन शक्ति अर्थात दंड की शक्ति होती है के माध्यम से एक समिति में इकट्ठा बाध्यता है। यानी इन्होंने डिटेल में बताने का प्रयास किया है कि संस्था व्यवहार या अनुक्रिया का सामूहिक रूप है जिसमें कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक समिति के अंदर रहते हुए कैसे फंक्शन करेगा, कैसे कार्य करेगा, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बांड्स की बात करते हैं, एची वांड्स ने सोशल इंस्टीट्यूशन में बताने का प्रयास किया है, ऐसी सामाजिक संरचना और यंत्र के रूप में करता है जिसके द्वारा मानव समाज मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपेक्षित विविध कार्यकलापों का संगठन, निर्देशन और क्रियान्वयन करता है। यानी ऐसी सामाजिक संरचना और यंत्र के रूप में करता है जिसके द्वारा मानव समाज मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। वही बात जो इससे पहले अर्पण साहब ने कही, वही बात काफ़ी हद तक एची बार्न्स ने भी कही है। एची बार्न्स का दृष्टिकोण भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें मैकाइवर पेज की, तो मैकाइवर पेज भी ये बताना चाहते हैं कि यह सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर अंतरित करती है। यानी जितने भी कल्चरल तत्व हैं उन सभी तत्वों को, कल्चरल एलिमेंट्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है। कैसे फंक्शन करना है परिवार में, कैसे फंक्शन करना है स्कूल कॉलेज में, स्कूल कॉलेज होगा तो वहाँ पर किस तरह के व्यवहार होंगे, ये व्यवहार एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती। अगर कोई नया टीचर किसी कॉलेज में पढ़ाने गया तो उसको पहले से पता है कि यहाँ पर ऐसे व्यवहार करना है, ये पुराने टीचर्स उनको बताते हैं, ट्रेंड करते हैं, यहाँ का ये ट्रेंड है इस तरह से व्यवहार करना। एक स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो वहाँ पर उसको पता है, पहले जैसे छोटे स्कूल फिफ्थ तक पढ़ा, एट्थ तक पढ़ा, इंटर कॉलेज तक पढ़ा, जब वो डिग्री कॉलेज में जाएगा तो डिग्री कॉलेज में कैसे व्यवहार करना है, वो व्यवहार चूँकि कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के निश्चित होते हैं, उन व्यवहारों को करने के लिए उसको बताना होगा, उन व्यवहारों को वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती है। एक तरह से इन व्यवहारों की सीख एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती है, यानी ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह से परिवार में बड़े बूढ़े ये बताते हैं इस तरह का काम करना है, इस तरह से उठना बैठना है, इस तरह से आदर सत्कार करना है, बाहर वाले से मेहमान आ जाए तो उस मेहमान का आदर सत्कार इस तरह करना, ये सारे फंक्शंस हैं। पति को पत्नी की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, इसी तरह से एक पिता को बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, बच्चों को अपने पिता का आदर सत्कार करना है, उनकी बातों को मानना है, उनके बताए गए तरह के कार्यों को करना है। यानी ये सारे फंक्शंस निश्चित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं, चाहे वो धार्मिक संस्था की बात हो, चाहे वो आर्थिक संस्था की बात हो, चाहे वो राजनीतिक संस्था की बात हो, प्रत्येक संस्था में इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के व्यवहार, इस तरह की क्रियाएं एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती, अंतरित करती हैं। ये बातें काफ़ी तक मैकाइवर पेज ने बताने का प्रयास किया। मानवीय व्यवहार में एकता लाती, इस तरह के फंक्शन करने से एकता स्थापित होती है। यानी ये लगता है कि सब एक तरह का फंक्शन कर रहे हैं। यानी ये जैसे हमने कहा डिग्री कॉलेज में बच्चे पढ़ने गए, जो अभी तक इंटर कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री कॉलेज में इस तरह का व्यवहार करना है, यानी उसको पता चल जाए ये इंटर कॉलेज नहीं है, ये डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में इस तरह से व्यवहार, अगर उसको ये व्यवहार नहीं सिखाया जाएगा तो वो एकता नहीं दिखाई देगी, एक रूप नहीं दिखाई पड़ेगा और ऐसी स्थिति में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए स्कूल कॉलेज के अंदर जाके किस तरह का व्यवहार करना, मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा बैठा है, बच्चा पीछे टेक लगा दिया, ये टेक लगाना पीछे
या पीछे उसको जम्बाई आ रही है, या वो पलौथी लगा के बैठ गया, जैसे वर्तमान समय में कुर्सी मेज़ है तो कुर्सी मेज़ पे सही ढंग से बैठना, किस तरह का व्यवहार करना है। भाई ड्राइंग रूम में तो बैठे नहीं, अगर ये बात देखी जाए तो ड्राइंग रूम में तो नहीं बैठे हो, क्लास के अंदर कैसे बैठना है, ये व्यवहार अगर एक रूप नहीं होगा तो क्लास सही ढंग से नहीं चल सकते। इसी तरह से परिवार में कभी कभी ये दिखाई पड़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तेजी से झगड़े होते हैं, तो ये कहा जाता है आस पड़ो ये फैमिली ठीक नहीं है, या तो झगड़े होते हैं, क्योंकि परिवार में ये माना जाता है कि एक ही तरह के व्यवहार होने चाहिए तभी वो अच्छा परिवार। इसी तरह से कह सकते हैं ये टूटा हुआ परिवार, एक अलग जा रहा है एक अलग जा रहा है, बच्चे किसी का कहना नहीं मान रहे हैं, तो फंक्शंस एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती कि इस तरह के फंक्शन करना उचित नहीं है। तो जो मैकर पेज कहना चाहते हैं, ये सांस्कृतिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है और उससे एक रूपता आती है जिससे व्यवहार में एकता डेवलप होती है, मनुष्यों के आचार को नियंत्रित करती है, यानी उनके व्यवहारों को नियंत्रित करती है। तुमको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे तो गड़बड़ है, ऐसा करोगे तो अच्छा है, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बात हो, चाहे वो परिवार की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात हो, चाहे वो राजनीतिक दल की बात हो। अगर राजनीतिक दल में हम बात करते हैं कि एक राजनीतिक दल के फंक्शंस निश्चित है, इस तरह का व्यवहार करना है, अगर ऐसा व्यवहार नहीं करोगे तो तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और ये कारण है कि जब कोई दल उस पर्टिकुलर पार्टी के अनुरूप व्यवहार नहीं करता तो उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक से ये अपेक्षा की जाती है कि इसी तरह का फंक्शन करना है, अगर ऐसा फंक्शन नहीं होगा तो तुम्हारे लिए उचित है। तो एक तरह से ये नियंत्रित भी करती है संस्था, एवं इन्हें परिस्थिति अनुसार मार्गदर्शित भी करती है, जब जैसी परिस्थिति होती उसके साथ ही साथ उसको मार्गदर्शित करती कि आपको इस परिस्थिति में ऐसा काम करना, दूसरी परिस्थिति में ऐसा काम करना है, यानी परिस्थिति के हिसाब से उसको एक तरह से डायरेक्शन भी देती है जिससे वो व्यक्ति सही ढंग से काम कर पाता है। यानी संस्थाएं उनको ये बताती हैं कि तुमको ऐसा फंक्शंस करना है। इस तरह से हम कह सकते हैं संस्थाओं के बारे में अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा जो बातें कही गई वो काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर करती हैं कि संस्था एक अमूर्त पक्ष है, ये चीज़ ये फंक्शंस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे जाता है ताकि वो सही ढंग से काम कर सके। समितियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका एक आकार होता है, जबकि संस्था का ये तो एक कार्य प्रणाली है, समितियों का आकार होता है और वे मूर्त होती हैं, जबकि समिति संस्थाएं अमूर्त पक्ष है, इनका कोई आकार नहीं होता है। समितियों का एक मानवीय पक्ष हो सकता है, पक्ष होता है, संस्थाएं तो फंक्शन है, ऐसा फंक्शन करना है तो वो संस्था है। समितियां वस्तुएं हैं जबकि संस्थाएं विधियां हैं, संस्थाएं एक तरह से विधियां हैं। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि संस्थाएं एक पर्टिकुलर तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस आधार पर इसके कई करेक्टरिस्टिक्स कहे जा सकते हैं, जैसे इसका सुपरिभाषित उद्देश्य होता है, निश्चित है कि इसका एक पर्टिकुलर सुपरिभाषित उद्देश्य हो गया, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होगा जो कि उसको बताएगा कि आपको इस संस्था में रहना है तो इस तरह से फंक्शन करने हैं। उसके अनुसार जितने भी समिति के मेंबर हैं वो समिति के मेंबर उस पर्टिकुलर संस्था के अंतर्गत इस तरह के फंक्शन करेंगे। स्थायित्व, जैसे कि मैंने कहा समितियां टेम्परेरी हो सकती हैं लेकिन संस्थाएं परमानेंट होती हैं, मतलब जब भी ऐसी कोई परेशानी आएगी, जैसे कि मैंने कहा कोरोना संकट महामारी, इसके अंतर्गत अनेक समितियों का निर्माण हुआ लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस तो निश्चित है ना, तो जब भी इस तरह की परेशानी आती है, जब समितियां बनती हैं, समितियां टेम्परेरी हो सकती हैं लेकिन उसके अंतर्गत जो फंक्शन होंगे वो निश्चित है, यानी संस्थाएं
अस्तित्व लिए हुए होते हैं। सामूहिक अभिमति, ये जो नियम कानून बनाए जाते हैं इनमें सामूहिक समय अभिमति होगी, अर्थात इनमें सैंक्शंस होगी, कलेक्टिव सैंक्शंस होगी। अगर एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसमें संशोधन किया जाता है। इसलिए जब भी हम संस्थाओं की बात करते हैं तो संस्था एक दो के हिसाब से नहीं चलती, बल्कि सामूहिक सैंक्शंस के बाद ही नियम निश्चित किए जाते हैं। वो होना बहुत ही जरूरी है। नियमों की संरचना, संस्थाएं जितनी भी हैं वो नियमों की संरचना है। जितने नियम हैं उनको एक रूप देने के लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। यानी प्रत्येक संस्था में नियम कानून होते हैं, उन नियम कानून के आधार पर एक संरचना बनती है। जैसे परिवार के कुछ नियम कानून, जहाँ पर भी इस तरह के फंक्शन देखते हैं तो हम कह देते हैं ये परिवार है। जहाँ एक पर्टिकुलर तरह के फंक्शन देते हैं ये स्कूल है। जहाँ इस तरह के एक पर्टिकुलर फंक्शन देखते हैं ये एक धार्मिक संस्था है। दूसरे तरह के फंक्शंस देखते हैं तो ये एक राजनीतिक संस्था है। इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ आर्थिक संस्थाएं, अगर वहाँ पर एक पर्टिकुलर तरह के फंक्शंस को देखेंगे। हम यहाँ पर अगर अलग अलग ढंग से बात करते हैं तो वहाँ पर हमको अलग अलग तरह के दृष्टिकोण को दिखाई पड़ता है। इसी तरह से सामूहिक प्रयत्न, संस्था यानी समिति के जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे मेंबर्स संस्था के नियमों को सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं इस तरह का फंक्शन करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि सामूहिक सैंक्शन होती, सैंक्शन तो हो जाती है लेकिन कई बार ये होता है कि व्यक्ति उस तरह के कार्य नहीं करना चाहता। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है हम सबको मिलकर प्रयत्न करना है। अगर किसी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं सारे टीचर्स मिलके एक तरह का व्यवहार करते हैं यानी प्रयत्न करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट मिलके प्रयत्न करते हैं, स्टूडेंट मिलके प्रयत्न करते हैं कि हमको स्कूल कॉलेज के नियमों के हिसाब से चलना है। यानी सबके सामूहिक प्रयत्न से होता है, मैनेजमेंट के सामूहिक प्रयत्न से होता है। यानी एक दो व्यक्तियों के प्रयत्न से नहीं बल्कि सभी लोगों के प्रयत्नों से संस्थाएँ चलती। प्रयत्न के साथ साथ प्रतीक, प्रत्येक संस्था का एक सिंबल भी होता है जिसके आधार पर हम ये मानते हैं कि इस प्रतीक के आधार पर ये संस्था पहचानी जाएगी। साथ में अमूर्त व्यवस्था, जब हम संस्था की बात करते हैं तो ये समिति से अलग है। जैसे कि मैंने कहा समितियाँ मूर्त होती जबकि संस्थाएं अमूर्त होती हैं। संस्थाओं में अमूर्त व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात उन व्यवहारों को देखा जा नहीं जा सकता बल्कि उनको महसूस किया जाता है, अर्थात अमूर्त दृष्टिकोण। ये सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाइयां हैं, यानी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाइयां हैं। यानी इनको हम जो कल्चरल यूनिट्स हैं उनकी को उनके आधार पर हम समझ सकते हैं। यानी जो हमारे समाज में व्यवस्था रहती है, कल्चरल सिस्टम रहता है, उनकी एक इकाई के रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि एक दो व्यक्तियों से के व्यवहारों से नहीं बल्कि अनेक लोगों के व्यवहारों से संस्थाओं का निर्माण होता है। इस तरह से अलग अलग समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर, इन विशेषताओं के आधार पर संस्था को समझा जा सकता है। मेरा ये लेक्चर पुनः ये कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए ताकि हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं।